दोस्तों नमस्कार। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है और योनो SBI इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि आपको पासबुक देखने का मन होता है, सीधे आते हैं पासबुक देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पासबुक में 4 अपडेट दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं योनो SBI लिखा हुआ, नीचे में लिखा गया है सर्च बाय ऑल, तो इसके बगल में एक फिल्टर दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ऑल का, एक अमाउंट का, एक डेट का, एक कीवर्ड का। जैसे कि आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो ऑल आपको स्टेटमेंट दिखाएगा, अगर आप अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि किसी व्यक्ति ने मेरे को 10,000 रुपये भेजा तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये एंटर करेंगे तो जितने भी व्यक्ति आपको 10,000 रुपये भेजे होंगे डेबिट क्रेडिट सारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे 5,000 रुपया यहाँ पे इंटर करते हैं, फिर से फिल्टर लगाएंगे, अमाउंट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 5,000 इंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लोग आपको 5,000 रुपया भेजे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप 10,000, 20,000 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से फिल्टर पे क्लिक करते हैं, डेट। जैसे डेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट, अगर आज 13 जुलाई है तो 13 जुलाई यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो देखिए 13 जुलाई का जो भी आपके खाते से ट्रांजैक्शन हुआ है वो आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं। यहाँ पे 12 जुलाई को भी देख लेते हैं, ये देखिए 12 जुलाई का सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद 10 जुलाई यहाँ पे दे देते हैं, देखिए 10 जुलाई में इतना सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो फिर से फिल्टर पर हम क्लिक करेंगे और फिल्टर पर क्लिक करने के बाद कीवर्ड है तो कीवर्ड पर आपको क्या कर सकते, कीवर्ड में जैसे कि UPI हम इंटर कर देते हैं, UPI से जितने भी व्यक्ति आपको पेमेंट किए होंगे सारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे हम IMPS इंटर कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IMPS से जितना भी आपको व्यक्ति पेमेंट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद NEFT हम यहाँ पे लिखते हैं तो जितने भी आपको NEFT से पेमेंट किए होंगे वो देखिए यहाँ पे आपका सारा आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है फिल्टर लगा के जो है यहाँ पे सारा स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिस भी स्टेटमेंट को आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फंड ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है 10 रुपये, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका सारा डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और भी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, तो इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पेज पे कैसे आना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको योनो SBI एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक लॉगिन, एक व्यू बैलेंस, एक क्विक पे। यहाँ पे व्यू बैलेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना MPIN यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। फिर से फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो वही प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट काफ़ी इजी तरीके से देख सकते हैं। यह योनो SBI का अपडेट था तो मैं आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।